सीएलई सोसाइटीज के सीबीएसई स्कूल चिक्कोड़ी। वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? आई होप के आप सब स्वस्थ और ठीक होंगे। तो आइए बच्चों, आज हम सीखेंगे चंद्रबिंदु की मात्रा। यस, आज के इस क्लास में हम क्या सीखने जा रहे हैं बच्चों? चंद्रबिंदु की मात्रा। तो आइए आज हम यहाँ पर यानी कि हिंदी की क्लास में चंद्रबिंदु की मात्रा सीखेंगे। ओके, तो देखिए बच्चों, यहाँ पर चंद्रबिंदु की मात्रा, तो आपको बताए ना बच्चों, चंद्रबिंदु की मात्रा किस प्रकार होती है? चंद्रबिंदु की मात्रा या चिन्ह इस प्रकार की होती है। देखिए, आधा चंद्र, आधा चंद्र, और वहाँ पर क्या होता है बच्चों? एक बिंदु होता है। इस आधा चंद्र होता है, फिर एक बिंदु होता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? चंद्र बिंदु कहते हैं। ओके, तो समझ में आ गया ना बच्चों, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? चंद्र बिंदु कहा जाता है। ओके, तो समझ में आ गए ना बच्चों, चंद्रबिंदु किसे कहते हैं और चंद्रबिंदु को क्या कहा जाता है बच्चों? अनुनासिक भी कहते हैं। अनुनासिक यानी के अम, यस, और विसर्ग यानी के आहा। अनुनासिक यानी के अम को हम क्या कहते हैं बच्चों? अनुनासिक कहते हैं, और आहा को हम क्या कहते हैं? विसर्ग कहते हैं। चंद्रबिंदु को यस, तो यहाँ पर क्या होता है बच्चों? चंद्रबिंदु को अनुनासिक भी कहते हैं, क्योंकि इसका उच्चारण यानी कि चंद्रबिंदु का उच्चारण करते समय नाक और मुंह दोनों से ध्वनि निकलती है। यस, देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए बच्चों, चंद्रबिंदु को अनुनासिक भी कहते हैं, क्योंकि इसका उच्चारण यानी कि चंद्रबिंदु का उच्चारण जो है उसे करते समय नाक और मुंह दोनों से ध्वनि निकलती है। ओके, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि अनुनासिक को उच्चारण करते समय नाक और मुंह दोनों से ध्वनि निकलती है। तो देखिए बच्चों, यानी कि देखिए आप भी यहाँ पर उच्चारण कीजिए। आइए बच्चों, आप भी यहाँ पर क्या करना है? उच्चारण करना है। तो देखिए बच्चों, इसका उच्चारण करते हैं यस, इसका उच्चारण क्या है बच्चों? एक बार फिर से कोशिश कीजिए। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर ध्यान दीजिए, चंद्रबिंदु को बोलते वक्त, चंद्रबिंदु को बोलते वक्त क्या होता है बच्चों? यहाँ पर आपका मुंह और नाक, आपका मुंह भी खुल जाता है और नाक से भी ध्वनि निकलती है। तो इसे उच्चारण कीजिए फिर से एक बार, यस। तो ध्यान में ध्यान देना है कि आपको यहाँ पर क्या होता है बच्चों? चंद्रबिंदु की जो यहाँ पर आवाज़ जो निकलते समय क्या होता है? हमारे मुंह से भी, मुंह भी खुल जाता है और नाक से भी ध्वनि निकलती है। ओके, तो आपको ध्यान रखना है कि चंद्रबिंदु का शब्द हो या चंद्रबिंदु की आवाज़ निकलते समय मुंह से भी खुल जा, उसका उच्चारण करने के लिए मुंह भी खुल जाता है और नाक से भी ध्वनि निकलती है। यस, फिर से एक बार इसे, यस, फिर से एक बार इसे क्या कीजिए? उच्चारण कीजिए बच्चों, फिर से एक बार उच्चारण कीजिए, ओके, तो समझ में आ गया मैं बच्चों? तो चलिए अब हम क्या करेंगे, वर्णों पर चंद्रबिंदु लगाकर उसके उच्चारण करने या समझने का प्रयास करेंगे। अब हम क्या करेंगे बच्चों? वर्णों पर यानी कि यहाँ पर व्यंजनों पर, अब हम क्या करेंगे? वर्णों पर चंद्रबिंदु लगाकर उसे समझने का प्रयास करेंगे। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर आप भी यहाँ पर इसे क्या करना है? उच्चारण करके से समझना है यानी कि चंद्रबिंदु की आवाज़ किस तरह से निकलती है। ओके, तो देखिए बच्चों, यहाँ पर ख, ग, घ, छ, ढ, 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 ढ,
व्यंजनों का या वर्णों का उच्चारण करने के लिए हमें क्या करना है बच्चों, यहाँ पर मुंह और नाक से दोनों से आवाज या ध्वनि निकलती है। ओके, तो देखिए यहाँ पर फिर से एक बार इसे उच्चारण कीजिए, कां ख ग घ च छ ज झ ट ठ ड ढ। यस, तो आगे देखिए बच्चों यहाँ पर त थ द ध न प फ ब भ म ञ र ल म। यस, इस तरह से आपको क्या करना है बच्चों, इन्हें उच्चारण करना है। ओके, तो फिर से एक बार देखिए बच्चों यहाँ पर एस, फिर से एक बार इसे उच्चारण कीजिए। तो देखिए यहाँ पर त थ द ध छ प फ ब भ म ञ र ल। ओके, इस तरह से आपको क्या करना है बच्चों, इन्हें उच्चारण करना है। तो आगे देखिए एस, तो आगे भी क्या है बच्चों यहाँ पर देखिए, श श श स ह क्ष त्र ज्ञ श। ओके, अभी अभी हमने क्या सीखा बच्चों, हमने वर्णों पर चंद्र बिंदु लगाकर उसे समझने का या पढ़ने का प्रयास किया। ओके, इस तरह से आपको क्या करना है बच्चों, वर्णों पर चंद्र बिंदु लगाकर उसे पढ़ना है। ओके, फिर से एक बार देखिए बच्चों यहाँ पर शं शं सं हं क्षं त्रं श्रम। ओके, इस तरह से आपको क्या करना है बच्चों, रीड करना है। तो आइए बच्चों अब हम क्या करेंगे, चंद्र बिंदु के कुछ शब्दों को पढ़ने का प्रयास करेंगे। अब हम क्या करेंगे बच्चों, चंद्र बिंदु के कुछ शब्दों को पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो देखिए बच्चों यहाँ पर चंद्र बिंदु वाले शब्द कौन कौन से हैं इस, तो देखिए यहाँ पर चंद्र बिंदु की मात्रा के शब्द क्या है बच्चों, चंद्र बिंदु की मात्रा लगाकर शब्दों की रचना किस तरह से की जाती है और उन्हें उच्चारण किस तरह से किया जाता है तो देखेंगे। आइए बच्चों, मां इस मां चांद, तो आवाज देखिए यहाँ पर किस तरह से निकल रही है, नाक और मुंह दोनों से ध्वनि निकल रही है ना बच्चों, मां चांद आंख इस आंख मां चांद आंख इस। तो नेक्स्ट देखिए बच्चों, सांप आगे क्या है, सांप ओके सांप गांव कुआं सांप गांव कुआं, ये क्या है बच्चों, चंद्र बिंदु के शब्द हैं। यस, तो नेक्स्ट आगे देखिए ऊंट, आगे क्या है बच्चों, ऊंट, तो देखिए वहां पर ऊंट इस ऊंट को क्या किया गया है, ऊ के ऊपर चंद्र बिंदु लगाया गया है, ऊंट दांत बूंद इस ऊंट दांत बूंद। ओके, तो नेक्स्ट आगे देखिए बच्चों यहाँ पर आगे क्या है बच्चों, यहाँ पर देखिए कांच पांच धुआं कांच पांच धुआं। ओके, नेक्स्ट देखिए यहाँ पर क्या है, चांदी आगे क्या है बच्चों, चांदी बांह
तांगा, चांदी बांह तांगा। ओके, तो देखिए यहाँ पर और भी कुछ शब्द हैं। देखिए बच्चों यहाँ पर पूंछ, पांव, मूंछ, पूंछ, पांव, मूंछ। ओके, इस तरह से आपको क्या करना है, इन्हें रीड करना है। ओके, तो देखिए आंवला, बांसुरी, अंगूठी, आंवला, बांसुरी, अंगूठी। ओके, इस तरह से आपको क्या करना है, इस या चंद्रबिंदु के शब्दों को रीड करते हुए इन्हें लिखना है और समझना है कि इसकी आवाज़ कहाँ से निकलती है। ओके, चंद्रबिंदु की आवाज़ यहाँ पर मुंह के साथ साथ नाक से भी इसकी ध्वनि निकलती है, यानी कि चंद्रबिंदु को उच्चारण करने के समय क्या होता है बच्चों, मुंह भी खुल जाता है और नाक से भी ध्वनि निकलती है। ओके, इस तरह से आपको क्या करना है, चंद्रबिंदु की मात्रा को समझना है और चंद्रबिंदु को किस तरह से उच्चारण किया जाता है और इसके शब्द किस तरह के होते हैं आपको क्या करना है, जानना है। तो चलिए बच्चों, आज का यह क्लास आपकी समझ में आ चुका होगा, तो नेक्स्ट क्लास में हम फिर इन्हीं शब्दों को लेकर फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।